नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव सिंगला है। मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ कल्पवृक्ष हेल्थ केयर पे, जो कि द्वारका में है। मैं हॉर्मोन्स से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं उन मरीजों का इलाज करता हूँ। बहुत जो कॉमन बीमारियाँ हैं जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड से रिलेटेड, हाइट नहीं बढ़ पाना, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, अगर बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, सो इन सबको हम हार्मोनल बीमारियाँ मानते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारी मिथ्स हैं इस बात को लेकर कि अगर हमारे को डायबिटीज़ है हमें क्या खाना चाहिए और हमें क्या नहीं खाना चाहिए। अगर मैं एक्चुअल में बोलूं तो ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं बोल सकूं कि ये डायबिटिक डाइट है। देर इज़ ओनली समथिंग कॉल्ड हेल्दी डाइट विच ऑल ऑफ अस एक्चुअली शुड फॉलो, और हमारे को वो डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा काम करेगी। अगर हम डाइट को एक बहुत सिंपल तरीके में समझने की कोशिश करें, सो डाइट के अंदर, हमारी किसी भी डाइट के अंदर हम कुछ भी खाएं, उसमें तीन मेन प्रकार के लार्जर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे होते हैं फैट्स, और तीसरे को हम बोलते हैं प्रोटीन्स। जो हमारे को डायबिटीज़ है वो लार्जली कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करने की प्रॉब्लम है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं बिकॉज हमारा शरीर उन कार्बोहाइड्रेट्स को अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, हमारे मसल सेल्स तक नहीं पहुंचा पाता है, तो ब्लड के अंदर जो हमारे ग्लूकोज के लेवल्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं। सबसे पहली चीज़ यह कि हमारे को ये कोशिश करनी है कि हमारे को कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करना है अपनी डाइट में। जब हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कम करना है तो उसमें भी दो अलग अलग तरीके के कार्बोहाइड्रेट हैं। एक को हम बोलते हैं सिंपल शुगर्स, जैसे कि चीनी है, गुड़ है, शहद है, ये सब हमारे लिए बराबर है, सो उन सबको हमने अवॉइड करना है। कुछ फ्रूट्स हैं जो बहुत मीठे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, फॉर एग्जांपल बनाना। ऐसा नहीं है कि हम बनाना नहीं खा सकते या हम मैंगो नहीं खा सकते, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारे को उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करना है। शायद हम दो बनाना नहीं खा सकते, बट अगर कोई आधा बनाना खाना चाहे और अपने आप को उस पर लिमिट कर पाए तो शायद उसमें हमारे को प्रॉब्लम नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि नॉर्मली जैसे रोटी में है, जैसे चावल में है, जैसे दूध दही में है, जैसे हमारी दालों में है, जैसे हमारी सब्जियों में है, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय एंड लार्ज प्रोटीन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैट, अगर किसी का वजन पहले से ही ज़्यादा है, अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम के लिए बाकी के रिस्क फैक्टर्स हैं, सो शायद हमारे को उन फैट्स को अपनी डाइट में मॉडरेट अमाउंट में लेना है और कम करना है। सो सैलेड्स और फ्रूट्स बराबर नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सैलेड्स आर लाइक विच डोंट हैव मच कैलोरीज बट जिनमें बहुत सारा फाइबर है, फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर है, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो है, फॉर एग्जाम्पल अनियन है, एंड ऑल दो सीजनल सैलेड जिस भी सीजन में वो आता है, अगर हम उनको अपने फूड में, अपनी मील में ऐड कर लेते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत सारा खराब इम्पैक्ट है वो चला जाता है। सो हमारे को, अगर आप मेरे से पूछें कि एक टिपिकल मील में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी लॉट ऑफ सैलेड्स दैट वी शुड टेक, एंड देन वी शुड हैव अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट वी टेक, विच कैन बी इधर चपाती और इट कैन इवन बी राइस। राइस इज नॉट अ प्रॉब्लम पर से, एंड देन वी शुड हैव अ लार्ज, मे बी लार्ज बाउल और मे बी टू स्मॉल बाउल्स ऑफ इधर दाल और सब्जी दैट वी शुड हैव, एंड इफ वी कैन टेक सम अमाउंट ऑफ कर्ड along with all these components, then that would make it a complete meal. Now the second thing that we need to understand is कि जो हमें बोला जाता है कि एक बारी किसी को डायबिटीज़ हो गया तो उसको दिन में छः बारी खाना है, हर दो दो घंटे में खाना है, तीन तीन घंटे में खाना है, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये सब मिथ है, इन सब की ज़रूरत नहीं है। हमारे को इतने ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है, अगर हम उन सबको ये बोलेंगे कि आप हर दो दो घंटे में खाइए, सो वो प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, हम जिस टाइम पे रोज़ खाना खाते हैं हमें उसी टाइम पे खाना है। अगर आप तीन बारी भी दिन में खाना चाहते हैं और आपके लिए वो टाइमिंग फिक्स है जो आपके लिए काम करती हैं, जिसको आप डे टू डे बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं, हमने वही करना है। आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है, आपको अपने डाइटिशियन से बात करनी है कि हम जो हमारा ट्रीटमेंट है वो उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर पाएं।
सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे को दिन में 6 बार ही खाना है या 8 बार ही खाना है। हाँ, कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हम ऐसा रिकमेंड करते हैं कि जिनमें ये कंडीशन ज़रूरी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर बिकॉज हम शुगर लेवल्स को एक बहुत छोटी रेंज में बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करके चलना चाहते हैं, तो अगर किसी को डायबिटीज़ है और प्रेगनेंसी होती है, उन केसेस में कई बारी हम फोर्स्ड हो जाते हैं ये बोलने के लिए कि आप हर 2 घंटे या 3 घंटे में थोड़ी छोटी छोटी स्मॉल मील्स को हमने खाना है।